तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। इससे हम लोग भी सहमत है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से मार्केट शिफ्ट होकर हम लोग को बाहर चला जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। टाइमिंग जो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, प्लस अभी जो सामने रेलवे स्कूल है वहाँ के बच्चे लोग का भी स्कूल खुलने का समय आ गया है, कोई दुर्घटना भी घट सकता है। इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि दुर्घटना भी घटने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अब ये तो चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जितना जल्द से जल्द इस मंडी को यहाँ से बाईपास में ले जाए। तो अब उनका उन्होंने कहा भी कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक नया आसनसोल वहाँ पर बने, ताकि और बहुत सारे स्कूल्स भी हो वहाँ पर, बैंकिंग की भी सुविधा हो। बस तो यही सब है हम लोग का। हम लोग इसके लिए खुश हैं कि चले कम से कम 6% हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही लोग करेंगे। 3-4 दिन के अंदर में वो रिपोर्ट बताएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजीव सिंह, आसनसोल वेजिटेबल होलसेल मर्चेंट। আমাদেরকে ডেকেছিলেন এই বাজার বাইরে নেওয়া যাওয়ার জন্য। প্রতিটি কথা হলো, উনি আশ্বাসন দিয়েছেন দু একদিন মধ্যে আর আপনাকে জানাবো কিছু। ইট ইজ আন্ডার প্রসেস। আর ওরা চাইছে কি একটা নতুন আসানসোল বাইরে যা বাজার যাবে তা একটু ভিড়, আমাদের চাইছে এখানে ভিড়টা একটু কমতি হবে, জাম ঝামেলা অনেক হবে, একটা আসানসোল ভালো হবে, আমাদেরও আরাম হবে। বাইরে গিয়ে এক জায়গা হোলসেল মন্ডি একটা হোক, যদি আমাদেরকে দিয়ে দিয়ে তো ভালোই হবে। আর না প্রশাসক সাহেব কী চাইছে? আমরা তো চাইছি দেখছি কি একটা বাইরে আমাদেরকে হোলসেল মন্ডি করে দিন প্রশাসকের, মানে এডমিনিস্ট্রেশন একটা আমাদেরকে হোলসেল মন্ডি, মানে যেমন বাইরে বাইরে জায়গা আছে ওই রকম, ওইখানে লোডিং আনলোডিং অফ ট্রাক্স গুডস আরাম হয়ে যাবে আমাদের জন্য। এখানে জাম জমাস্তার কিছু কমতি হয়ে যাবে, এখানে অনেক জাম হয়ে গেছে, তো অনেক আরাম বেড়ে গেছে, স্পেস এখন কম লাগছে আমাদের স্পেসে। তবে খুচরাও যে বিক্রেতারা আছে তারা তো বাইপাসে যেতে অসুবিধা হবে না? ওইসব দেখা যাবে পরে, একে হোলসেলের আমাদের তো হোলসেল হিসাব আছে, তারা তো নেবে, ছোট ছোট দোকানদাররাই তো আপনাদের সাথে। সব জায়গা ওই রকমই আছে। কি বললেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, বলে কি ঠিক আছে, আমি দেখ রে হ্যাঁ, और दो तीन दिन बाद फिर हम लोग को बुलाएंगे। बोले आपका नाम? मेरा नाम तरुण भगत।